तो आज आप लोगों के सामने में है इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि है जिसका नाम होगा एथर 450X और 3.7 किलोवाट का आपको इसमें बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। रेंज देखने के लिए मिलेगा 110 टू 115, आपका चलाने के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस पर्टिकुलर स्कूटी के बारे में अभी जानेगा क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, और अगर आप अभी का समय में एक स्कूटर देख रहे हैं, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि नॉर्मल स्कूटी लेते हैं तो आप पेट्रोल डालते रहो, ये ले लिया तो बस चार्ज करो और चलाओ। चार्जिंग टाइम होगा 5 आवर 0 to 100, तो ये भी इतना बड़ा टाइम नहीं है, आप इजीली दिन भर चलाइए। 100 से ज़्यादा आपको मतलब मिल रहा है रेंज, जो आप शाम को चार्ज में लगा दीजिए, चार्ज होने दीजिए, दिन भर आप नॉर्मल सिटी यूटी में यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फुली फ्रंट का लुक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हेडलैम्प है LED में मिलता है, ऊपर में जो इंडिकेटर है ये भी DRL है, यहाँ पे DRL भी दिया हुआ है, और साथ में ये ऐसे इंडिकेटर वर्क करेगा। इसका लुक्स आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। टायर अगर प्रोफाइल का बात करेगा तो यहाँ पर टायर है, ये टायर आपको मिल जाता है MRF का, जिसमें टायर साइज 90x90 12 का मिलता है देखने के लिए। और एक ख़ास बात है, सेफ्टी में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, ये देखिए आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक मिल जाता है, तो आपका ब्रेकिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रियर से अगर देखेगा तो कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे एथर का जो बेजिंग है, और टेल लैम्प LED में देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कराता है पीछे का लुक को। यहाँ पे जो लाइट दिया हुआ है ये भी LED में दिया हुआ है, क्योंकि पीछे का जो आपका नंबर प्लेट रहेगा वो वही रात को दिखाई देने के लिए। यहाँ पे रिफ्लेक्टर और सीट कुछ ऐसा आ रहा है, और बूट स्पेस आपको मिल जाएगा देखने के लिए 22 लीटर का, और यहाँ पे अंदर में आप अपना चार्जर रखिए, कहीं भी जाइए और चार्ज कर सकते हैं, तो मज़ा है। चार्जर साथ में यहाँ पर मिल रहा है, और बूट लैम्प भी मिलता है ये देखिए LED में, तो रात को अगर आपको चार्जर निकालना है, कुछ सामान निकालना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक खास बात है गाइस, इसमें GPS लगा हुआ है ये स्कूटर में, जैसे कि आप लोग सबको पता है ईटानगर नाहरलगुन में बहुत इजीली स्कूटी बाइक वगैरह चोर होता है, तो इसमें ऐसे वाला GPS लगा है कि जो निकाल भी नहीं सकेगा, आप अपना फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि कोई आपका स्कूटी को ऐसे ऐसे हिला रहा है, छेड़खानी करने के लिए कर रहा है, तो उसमें भी आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका स्कूटी को कोई हिला रहा है, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। और सेफ्टी फीचर्स में बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आप कभी बाय मिस्टेक एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाता है स्लो से भी स्कूटी, तो काफ़ी ज़्यादा स्कूटर का इंजन स्टार्ट रहता है, उसमें आपका एक्सीलेटर घुमाने से और ज़्यादा आपका डैमेज होने का डर रहता है, तो इसमें ऑटो ऑफ हो जाएगा, ये खास बात है। और आप अगर इमरजेंसी ब्रेक करेगा तो इसमें इमरजेंसी स्टॉप जो लाइट वो भी है, क्योंकि आप पैनिक जब ब्रेक मारेगा ना, इसमें आपका टेल लैम्प जो है वो 3-4 बार ब्लिंक करेगा, ये चीज़ से आपका पीछे वाला पता चल जाएगा कि आप पैनिक ब्रेक मारा हुआ है। इसमें और एक ख़ास बात है गाइस, इसमें सस्पेंशन जो स्पोर्ट्स बाइक का जैसे मोनोकॉक टाइप में दिया हुआ है, तो पीछे अगर आप बैठ के राइड कर रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, ज़्यादा आप जैसे कि नॉर्मल गड्ढा उड्ढा में ज़्यादा उछलेगा नहीं, तो ये चीज़ ज़्यादा एक बेनिफिट है। और साथ में आपको इलेक्ट्रिक जो वो मिलता है, इलेक्ट्रिक वाला स्कूटी है, आपका खर्चा नहीं होगा। और ये डिस्प्ले में 7 इंच का आपको डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने मिलेगा, लाइक GPS मैप वगैरह देखने मिलेगा, आप अपना ट्रैक कर सकते हैं जगह को, जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो उसको मिला सकते हैं, और आपका लाइसेंस वगैरह हो गया उसको आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं, कभी हमेशा आप कैरी नहीं करके घूमता है, कभी आपको लाइसेंस चेक हुआ तो आप इजीली यहाँ से दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बाहर का ये मटेरियल है, सब फैब्रिक का है, लेकिन अंदर में जो मटेरियल होते हैं ना, और ये सब आप देख रहे हैं ये सब एल्युमिनियम का है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉडी बना है। अगर आप इसको चार्जिंग करेगा बोलने से, चार्जिंग कहाँ से करेगा बोलते, बहुत ईजी है, यहाँ में ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप सॉकेट डालिए, उसके बाद जो आपका घर का जो बॉक्स है वहाँ से आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हुक मिली है, जिसमें आप अपना डे टू डे लाइफ में छोटा मोटा कुछ कैरी वगैरह कर पाएगा। अभी के समय में अगर देखते हुए ऐसे टाइप का अगर आप स्कूटर लेता है तो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली हो जाता है।
इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मोड्स भी मिल जाते हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इको मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, रैप मोड हो गया। आप अपना जैसे कंडीशन, रोड कंडीशन के हिसाब से चला सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप जैसे कि रैप हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, वो लगा सकते हैं। आजकल का डे में आप देख रहे हैं जैसे कार लॉक में फीचर्स मिल रहे हैं ना, वैसे ही पूरा आपको फीचर्स इसमें मिलने वाला है। यहाँ पे जो ये देखिए आप हॉर्न का आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाउड है हॉर्न का। और यहाँ पे बेजिंग दिया हुआ है 450X का, एंड यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर है। और एक फीचर्स है जैसे कि ये रिवर्स वाला फीचर्स, ये देखिए सिंबल देखा रखा हुआ है। भी कैसे होते हैं, कुछ चराई में हम लोग मतलब ब्रेक करने के लिए करता है तो पाव से करना पड़ता है, तो रिवर्स ये ऑप्शन काफ़ी यूजफुल वाला चीज़ है, काफ़ी अच्छा वाला। फाइनल में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इसका प्राइस आपको एक शोरूम प्राइस अरुणाचल प्रदेश इंडिया में क्या देखने के लिए मिलेगा और ऑन रोड क्या देखने के लिए मिलेगा। आप प्राइस को देख के नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा शोरूम का, जो कि शोरूम है यहाँ पे लेखी विलेज नाहरलगन। आप सीधा कॉन्टैक्ट करके अपना पसंदीदा स्कूटर बुक करवा सकते हैं यहाँ पे। इससे थोड़ा कम रेंज का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप आज मैं पर्टिकुलर इसी जो स्कूटर है इसका बना रहे हैं, तो इसका हम आपको प्राइस बता देगा। एक शोरूम प्राइस देखने के लिए मिलेगा इसका 1,55,000 और ऑन रोड में आपको 2,02,000 तक देखने के लिए मिल जाएगा। सो इतना में आजकल यही प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा स्कूटर है जो इससे भी हायर प्राइस में जो मिल जाता है, जो आपको डेली डे टू डे लाइफ में पेट्रोल वगैरह ढलना पड़ता है, तो इसको आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जैसे है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा।